क्लास नाइन्थ हिस्ट्री चैप्टर टू सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशिया का क्वेश्चन सिक्स हमें दिया है. रेड अ फ्यू लाइंस टू शो व्हाट यू नो अबाउट कुलक्स द डूमा वुमा वर्कर्स बिटवीन 1900 एंड 1930 द लिबरल्स स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम. तो ये क्या दिया है हमें, एक क्वेश्चन दिया है. इसमें हमें क्या करना है, जो पांच पॉइंट्स है उन्हें एक्सप्लेन करना है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है हमारा का कुलक्स. तो कुलक्स क्या है देखते हैं. तो कुलक्स देखो, दे वेर वेल टू डू पीजेंट्स. तो क्या थे ऐसे पीजन जिनके पास स्मॉल पीजन से ज़्यादा पैसा रहता है, उनको बोल सकते हैं हम वेल टू डू पीजेंट्स. तो कैसे उनके पास पैसा इतना ज़्यादा रहता है देखते हैं. हु वेर सपोज टू बी होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइस. तो क्या करते थे, स्टॉक्स जो थी मतलब कि जो इन लोग प्रोड्यूस करके रखे थे वो होल्ड करके रखते थे. एक एग्जाम्पल बताता हूँ. जैसे कि देखो एक स्टेट है, मतलब देखो टाउन है टाउन. तो देखो अगर टाउन में तो ज़्यादा एग्रीकल्चर होता नहीं, तो टाउन में अगर ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं होता तो उन लोग को क्या करना पड़ता है, मतलब गांव साइड से ही उन लोग क्या करते थे, प्रोड्यूस मंगाते थे. तो क्या हुआ, अगर प्रोड्यूस उधर से आना बंद हो गया तो क्या, तो जो पुराने प्रोड्यूस उनके पास रहते थे उनकी उन लोग प्राइस बढ़ा देंगे, क्योंकि उन लोग के पास पहले से भी प्रोड्यूस कम है. जो उन लोग का प्रोड्यूस है वो पहले से ही कम है, तो उनकी प्राइस बढ़ा सकते हैं. क्योंकि देखो जिसको चाहिए होगा लेगा, क्योंकि सबको ज़रूरत है तो उन लोग को लेना ही पड़ेगा. तो क्या करते थे, प्राइस बढ़ा देते थे. और इन लोग पीछे स्टॉक होल्ड करके रखते थे, जो पीजेंट्स थे वो स्टॉक थे वो होल्ड करके रखते थे, ताकि जब प्राइस बढ़े तो उनको ज़्यादा पैसा मिले. तो अगर प्राइस बढ़ेगी तो अगर उन लोग स्टेट में बेचने, मतलब टाउन्स में बेचने जाएंगे, तो क्या होगा, ये जो पीजेंट्स है वो जो उन लोग ने स्टॉक होल्ड करके रखा है वो क्या, हायर प्राइस में बेचेंगे. तो इसलिए इन लोग क्या करते थे, स्टॉक होल्ड करके रखते थे. लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ था, इसकी वजह से बहुत सारे शॉर्टेज भी आए थे. तो उसकी वजह से क्या, जो उधर की जो मतलब रूल, अभी कौन रूल करता था, बोल्शेविक्स रूल करती थी. तो उन्होंने क्या किया था, देखो दे वेर रेडेड सो दैट दे मे बी एलिमिनेटेड इन ऑर्डर टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड एस्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स. तो उनको क्या करते थे, वो जो पीजन्स थे उनके उनके जो एरिया है या उनके गोडाउंस में रेड मारते थे. रेड क्यों मारते थे, क्योंकि अगर उन्होंने स्टॉक होल्ड करके रखा होगा, आगे तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं, तो क्या करते थे, उधर रेड मारते थे, ताकि जो भी खाना है, मतलब जो भी ग्रेन्स वीट्स हैं वो बाहर निकल सके, इसलिए. और उनको फोर्स करते थे वो सब बेचने के लिए. अब देखते हैं कुलक्स हो गया, अब क्या है द डूमा. द डूमा वॉज ए कंसल्टेटिव पार्लियामेंट. तो डूमा क्या थी, एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट थी, एक पार्लियामेंट थी. इट वॉज क्रिएटेड ऑन द परमिशन ऑफ ज़ार ड्यूरिंग 1905 रिवॉल्यूशन. वो क्यों क्रिएट हुआ था, अब देखते हैं. देखो ज़ार ने क्यों क्रिएट किया था, क्योंकि जो उधर के लोग थे उन लोग ने देखो 1905 का रिवॉल्यूशन हुआ था, तो ज़ार को तो बहुत लॉस भी हुआ था. स्टेट पूरे, मतलब उधर के पूरे जगह को लॉस हुआ था, पूरे रशिया को लॉस हुआ था. तो क्या हुआ, तो जो उधर के लोग थे ज़ार को फोर्स करके रखे थे कि कुछ पार्लियामेंट बनाओ, हम लोग के इधर भी कुछ अच्छे रूल्स होने चाहिए, अरे कुछ मतलब इन्वेस्ट करो आप भी, हम लोग का जो टैक्स लेते हो वो कुछ तो करो. मतलब वो क्या करते थे, ज़ार अपना ही संसार बसाने में लगा रहता था. तो उन लोग ने फोर्स करके क्या किया, पार्लियामेंट बनाया. तो उस पार्लियामेंट का नाम क्या था, द डूमा. तो ये क्या है, कंसल्टेटिव पार्लियामेंट. अब नेक्स्ट देखते हैं हमें वुमन वर्कर्स बिटवीन 1900 एंड 1930. तो देखो वुमन क्या थी, वुमन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर्स फोर्स. तो क्या थे, वुमन्स जो थे उधर के, तो वो 31% फैक्ट्री में काम करते थे. 31% फैक्ट्री लेबरर थे वुमन्स, 31%. बट दे वेर पेड बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ मैन वेजेस. लेकिन देखो वुमन मैन के जितना ही काम करते थे, लेकिन तो भी उन्हें हाफ या 3/4 जितना मैन के वेजेस से भी 3/4 मिलता था, तो उन्हें बहुत कम मिलता था. तो उसकी वजह से क्या करते थे उन लोग उतना काम भी करते हैं मैन के जितना, लेकिन उन लोग को पैसे कम मिलते हैं, तो क्या करते थे, वो स्ट्राइक करते थे ताकि उन्हें मतलब इंसाफ मिले. दे एक्टिवली लेड द स्ट्राइक इन मैन्युफैक्चरिंग. तो उन लोग स्ट्राइक करते थे. दे इवन वर्क ऑन द कलेक्टिव फार्म्स. तो क्या करते थे, कलेक्टिव फार्म्स जो थे उधर वर्क करते थे. देखो इन लोग मतलब हाफ एंड 3/4 ऑफ मैन वेजेस इनको मिलता था, बहुत कम वेजेस मिलता था. और ये फैक्ट्री में दे एक्टिवली लेट द स्ट्राइक इन मैनी फैक्ट्रीज. तो उन लोग फैक्ट्री में जब स्ट्राइक करते थे तो उनकी थोड़ी सी पगार बढ़ा दी जाती, मतलब सैलरी बढ़ा दी जाती थी, मतलब थोड़ी ज़्यादा कर दी जाती थी, लेकिन मैन की वजह जितना उतना उनको नहीं मिलता था. लेकिन उसके बाद 1947 जब आया, 1947 के बाद, ये तो मतलब मैं चैप्टर से बाहर का बता रहा हूँ आपको, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना ही लिखना है चार पॉइंट आपको. जो 1947 हुआ तो उसके बाद तक सब ठीक हो गया, वुमन को भी सेम मैन की जितना राइट मिलने लगा, राइट. तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दिया है, द लिबरल्स. तो क्या है लिबरल्स, दे वेर अ ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी.
तो क्या है, वो एक ग्रुप है जो सोसाइटी में चेंज चाहती है। तो देखते हैं क्या बोलते हैं इन लोग। दे वॉन्ट अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन। तो उन लोग को एक ऐसा नेशन चाहिए था जो सारे रिलीजन को टॉलरेट करता है, मतलब कि यूनिटी होनी चाहिए सारे रिलीजन को, सब लोग मिल घुल के रहने चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब तू मुस्लिम है तो मुस्लिम की जगह जा और हिंदू तो हिंदू। अच्छा अब देखो, अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। तो देखो उन लोग डायनेस्टिक रूलर को अपोज करते थे। क्या मतलब, जैसे अभी एक राजा है वो किंग है, तो उसका जो बेटा रहेगा वो उसके बाद किंग बनेगा राजा के मरने के बाद, उसके बाद वो जो बेटे का बेटा बनेगा उसके बाद उसके बेटे का बेटा, ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन क्या, जो मतलब कॉमन पीपल्स थे उधर के, तो उनको क्या रहता था, उन लोग को मतलब कभी चांस ही नहीं मिलता ये रूलिंग करने का, मतलब किंग टाइप बनने का। तो इसलिए उन लोग ने क्या किया, वो अपोज करते थे जो उधर के जो मतलब अभी ये बोल्शेविक्स थे, उन लोग ने ये जो थी अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टी उसको बंदी कर दिया था। दे आर्ग्यू फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट। तो सॉरी, जो लिबरल थे उनको ये नहीं चाहिए था। दे आर्ग्यू फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट। तो क्या करते थे, उनको ये नहीं चाहिए था, उनको क्या चाहिए था कि जो कॉमन पीपल रहे वो वोट करें। लेकिन देखो इसमें इन लोग ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था। क्या, जिनके पास ज़्यादा पैसा रहेगा वो ही वोट कर सकते हैं, मतलब जो पैसे वाले रहे वो वोट कर सकते हैं। लेकिन तो भी वुमन्स अभी भी वोट नहीं कर सकते थे, वुमन को उतनी राइट्स थी नहीं वोट करने की। तो जिनके पास ज़्यादा पैसा रहेगा वो पीजेंट्स, अगर देखो एक पीजेंट्स रहा उनके पास कम पैसा रहा तो उनके पास राइट भी नहीं है वोट करने का। तो लेकिन इन लोग क्या था, इन लोग को एक इलेक्टेड पार्लियामेंट चाहिए था जो रूल कर सकते, मतलब राजा के बाद राजा, मतलब डायनेस्टिक रूल पूरा ख़त्म हो जाए। सब्जेक्टेड टू लॉ इंटरप्रेटेड बाई वेल ट्रेन जुडिशरी इंडिपेंडेंस ऑफ रूलर एंड ऑफिशियल। तो इन लोगों को क्या चाहिए था, इंडिपेंडेंस चाहिए था, टाइप ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंस चाहिए था, मतलब जो उन लोग के ऊपर रूलिंग चलती थी वो नहीं चलनी चाहिए, और उन लोग फ्री होके कहीं भी घूमने जा सकते हैं। तो अब देखो, लेकिन देखो ये सब हो गया तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको ऐसा बोल सकते हो आप क्या कि ये मतलब डेमोक्रेसी। तो इन लोग डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो डेमोक्रेसी में क्या रहता है, सबको राइट्स रहते हैं इलेक्शन लड़ने के। लेकिन क्या था, इन लोग में सबको राइट्स नहीं थे, वुमेंस को तो थे ही नहीं, ऊपर से जो गरीब लोग थे उनके पास भी राइट्स नहीं थे, इसलिए हम इसको डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या दिया है, स्टेलिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। तो देखो ये स्टेलिन है, ये स्टेलिन का पिक है। तो देखो स्टेलिन क्या थे, स्टेलिन क्या सोचते थे, देखो जब क्या हुआ था, रिवॉल्यूशन हुआ था, मतलब बीच बीच में बहुत सारे शॉर्टेजेस भी आए थे, फूड शॉर्टेजेस आए थे। तो क्या हुआ, जब शॉर्टेजेस हुआ तो पहले तो देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कुलक्स में, तो कुलक्स क्या करते थे, कुलक्स मतलब जो स्टॉक होल्ड करके रखते थे, तो उनसे इन लोग ने निकलवाया, तो भी मतलब जो स्टॉक होल्ड किए थे वो निकलवाया, तो भी इन लोग का फूड शॉर्टेज मतलब गया नहीं था। तो स्टेलिन क्या सोचे, स्टेलिन होप टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज बाई कंबाइनिंग स्मॉल फार्मर्स विद लार्ज एंड मॉडर्न फार्म्स। दिस वॉज कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम डेट बिगेन इन 1929। तो क्या हुआ, स्टेलिन सोचते थे कि अगर मैं छोटे और बड़े फार्मर्स उनको एक साथ कर दूँ, कंबाइंड कर दूँ, और मॉडर्न टेक्निक्स अप्लाई करने के बोल, मतलब जो मॉडर्न टेक्निक थी, मॉडर्न फार्मर्स थे तो वो मॉडर्न टेक्निक्स भी रहती है उनके पास थोड़ी, मतलब मॉडर्न मशीनरीज, तो वो भी अप्लाई कर सकते थे, उसके से क्या होता, ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस होता। दिस वॉज कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम डेट बिगेन इन 1929। तो इसको बोला गया कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। पीजेंस वेर फोर्स टू वर्क इन दिस स्टेट्स कंट्रोल कलेक्टिवाइजेशन फार्म कॉल्ड कोलकोस। तो जो पीजेंस थे उनको क्या किया जाता था, फोर्स किया जाता था ये फार्म पे काम करो, स्टेट कंट्रोल कलेक्टिवाइजेशन फार्म, और इसको क्या बोला गया, कोलकोस। तो इसको बोला गया कोलकोस। तो ये हो गए हमारे 5-4 पॉइंट्स।